शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले सर्वोदय ग्रुप ऑफ स्कूल अब अपने हॉस्पिटल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में लगा हुआ है, ताकि कम दामों पर अच्छी चिकित्सा जरूरतमंदों को दी जा सके। बता दें कि सर्वोदय हॉस्पिटल अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को नित नए दिन बेहतर कर रहा है। डॉक्टर मनीष यादव के सर्वोदय हॉस्पिटल ज्वाइन करने पर हॉस्पिटल के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद यादव ने उनका माल्यार्पण कर एवं बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष यादव ने बताया कि वर्तमान समय में देखा गया है कि खानपान में रसायन का अत्यधिक प्रयोग एवं दूषित वातावरण के कारण कैल्शियम की कमी हो जा रही है, जिससे हड्डियों में तमाम बीमारियां जैसे अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है। डॉक्टर मनीष यादव ने बताया कि सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आर्थोपेडिक्स से संबंधित आधुनिक तकनीक एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे हमें मरीजों का इलाज करने में बेहतर सहूलत मिल सकेगी। इस दौरान सर्वोदय हॉस्पिटल के संचालक राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम खर्च में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देते हुए हम सेवा के अपने धर्म को निभा सके। आई एम डॉक्टर मनीष यादव, MS ऑर्थोपेडिक्स। मैंने अपनी MBBS एंड MS ऑर्थोपेडिक्स सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया हुआ है, और मेरा SRC सीनियर रेजिडेंसी ESI बसई धारापुर से किया हुआ है। मैं अभी प्रेजेंटली ज्वाइन किया है सर्वोदय हॉस्पिटल, जो कि नियर अबाउट RTO ऑफिस के पास है। यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी है। मैंने एज ए ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हर सुविधाएँ अवेलेबल हैं आपको, जितने प्रकार के ट्रॉमा हो, जो भी ट्रॉमा की सर्जरियाँ, जैसे किसी प्रकार की हड्डी टूटी हो उसका भी इलाज होता है यहाँ पे। यहाँ पे कुल्हा बदला जाता है, यहाँ पे घुटना बदला जाता है, दूरबीन से घुटने और कंधे से ऑपरेशन होता है। रीढ़ की हड्डी में अगर कोई भी दिक्कत हो तो इसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा, बिना ऑपरेशन के द्वारा भी किया जाता है। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन भी लगाया जाता है, ठीक। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो इसका ऑपरेशन भी होता है। और यहाँ पे हर प्रकार के जोड़ों के दर्द का इलाज किया जाता है। यहाँ पर हर सुविधाएँ आयुष्मान के द्वारा फ्री में की जाएंगी। सर्वाइकल की बीमारी का मतलब, जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन रीजन क्या है सर्वाइकल का, कि सर्वाइकल की बीमारियाँ 3 डिफरेंट अलग अलग टाइप की होती हैं सर्वाइकल का। एक तो जो इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन सर्वाइकल पोस्चर बीमारी होती है। जितने कंप्यूटर वर्किंग वाले बंदे होते हैं, जो बैठे होते हैं, क्या होते हैं, गर्दन स्ट्रेट होती है। तो क्या कहते हैं, बैठे थे, गर्दन स्ट्रेट होने से क्या होता है, स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। उसकी एक बीमारी होती है, लोग मोबाइल हमेशा गर्दन देखते रहते हैं, उससे होता है। तो इसको सर्वाइकल को बीमारी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सर्वाइकल बीमारी एक होती है सर्वाइकल, उसको बोलते हैं, पहला होता है एक्जियल पेन, एक्जियल पेन का या नेक पेन बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि आपके जो नेप होती है नेक पीछे, वहाँ पे दर्द होता है, कुछ छूने पर दर्द, मसल में दर्द होगा, ऐसे कुछ और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या करना है, इसका इलाज एक ही सबसे अच्छा तरीका है कि मरीज को या तो तकिया मत लगाए घर पे, या तो अगर यूज करना है तो सर्वाइकल पिलो यूज करे। और मरीज को क्या करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए सबसे पहले, कि ऐसे ही कसरत आगे की तरफ, फिर इसको ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करना है, दोनों हाथ आगे करके, और फिर इसको क्या करना, ऐसे, ठीक। और एक लैटरल बेंडिंग इधर बेंड कर इधर तक करना, दिन में 3 बार करना चाहिए कम से कम। और क्या कि गुनगुने पानी से सिकाई भी करनी चाहिए इसका, ये, और कोई एंटी इन्फ्लामेटरी दवा ले लीजिए और कैल्शियम, इससे आराम मिल जाएगा। एक दो की कभी कभी क्या होता है कि एक बीमारी जिसका नाम होता है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होता है, मरीज को पूछेंगे कि मरीज बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरा जब गर्दन में दर्द होता है तो हाथों में आता दर्द और पूरी झुंझुनाहट होती है, तो लगता है कि चीटी दौड़ रही है, तो सूनापन हो रहा है, तो ये बीमारियाँ लगे। इसमें क्या होती है कि नसें दबती हैं आपकी, ये मेनली उम्र की ओल्ड एज की बीमारी है। जब बुढ़ापा बढ़ता है तो क्या होता है, हड्डियाँ में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, उससे इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस कम होता है तो दबने लगती है। दबने लगती है तो क्या होगी कि नसें दबेंगी, नसें दबेंगी तो उससे क्या होगा, हाथों में झुंझुनापन, जलन, सब कुछ होगी। इसका इलाज अलग होता है, या तो फिर मरीज अलग हो, या तो इसमें इसको भी रूल आउट करना होता है कि मरीज कहीं डायबिटिक का पेशेंट तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होती है तभी भी ये पेन होता है। कभी कभी मरीज को क्या होता है, यहाँ एक बीमारी होती है जो लोग मिस करके आते हैं, कभी कभी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है, उसका भी सिम्टम कभी कभी इससे कोरिलेट करते हैं। तो इसका इलाज अलग होता है। इसमें क्या होता है, अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर झुंझुनापन है तो इसमें आप तो एक प्रिगाबालिन या मेथाइलकोबालामिन चला सकते हैं, प्लस एंटी इंफ्लेमेटरी चला सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, मरीज आप देखेंगे कभी कभी मरीज उपड़ी में आता है तो एक बीमारी होती है, उसे बोलते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी। इसमें मेनली क्या होता है कि अभी तक तो नसें दब रही थी, इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के पीछे सर्वाइकल कॉर्ड होती है उसको क्या आकर दबने लगती है। इसमें सर्वाइकल कॉर्ड की बीमारी आप देखिए, कुछ अलग बीमारियाँ होती, क्या तो मरीज को टाइप होगा, या तो ऐसी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है नसों की, जाके सीधे कॉर्ड को दबा रही है, एक तो तरीका हो सकता है, या तो कुछ कैसी मैलिग्नेंसी होंगी, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगी, इससे कभी कभी दबने लगती है स्पाइनल कॉर्ड। अभी हमारे यहाँ जो है डॉक्टर मनीष यादव आर्थो के डॉक्टर हैं, आपने दिल्ली से जो है अपनी डिग्री लिया है, और उन्होंने बात किया और
जितने भी हड्डी कमर दर्द जो भी इस तरह के बड़े घुटने के ऑपरेशन हैं आप द्वारा सरोदा हॉस्पिटल में पर डे जो है ओपीडी की जाएगी और इस तरह के जो भी केसेज आएंगे उसके ऑपरेशन किया जाएगा। हमारा प्रयास भी ये भी है कि आयुष्मान के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द अगर जो आयुष्मान हॉस्पिटल में हो जाए ताकि इस तरह के जो भी पेशेंट आएंगे उनके लिए भी ये सुविधा रहेगी। डॉक्टर साहब से बातचीत हुई, हमने कहा कि हॉस्पिटल है, हम चाहते हैं कि लगातार हमारा प्रयास है कि आजमगढ़ जनपद में एक बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों से बातचीत करके कि जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं जो कोई इस तरह की समस्या किसी का हड्डी की समस्या है तो आप उसका पूरा इलाज करेंगे। जो ज़रूरतमंद रहेंगे, गरीब रहेंगे, उनके लिए भी डॉक्टर साहब ने कुछ अपने तरफ से जो भी सुविधाएं हैं उसके लिए भी हम लोग पूरा एक टीम बना के लोगों की सेवा किया जाएगा। हमारा यही उद्देश्य है जो है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।